हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 SA1 की पोएम है द ब्रुक, उसके बारे में लाइन बाय लाइन देखेंगे और समझेंगे। इसको मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करूँगा। ये पोएम स्टार्ट करते उससे पहले आपको बता दूँ कि हमने एक्टिव एजुकेशन में 150 वीडियो पूरे कर लिए हैं। आप इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो जो है CBSE के, गुजरात बोर्ड के और बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स के मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं और इसको पढ़ के समझ सकते हैं। तो चलो ये पोएम शुरू करते हैं। ब्रुक, ब्रुक मतलब होता है छोटी नदी जो बहुत छोटे मोटे पहाड़ों से निकलती है और वो दूसरी छोटे छोटे झरनों के साथ मिलके एक नदी बन जाती है जो बड़ी हो जाती है। पोइट ने जो ये पोएम लिखी है तो उसमें ऐसा लग रहा है कि ये खुद ब्रुक ही ये सब कुछ बोल रही है और अपने बारे में बता रही है। मतलब जो डिस्क्रिप्शन है वो ब्रुक की तरफ से है, एक छोटी नदी की तरफ से है। ये पोएम जो है वो थॉमस अल्फ्रेड टेनिसन ने लिखी हुई है और इस पोएम में आपको बहुत ही जगह पे आई देखने को मिलेगा। आई का मतलब ये होता है कि ये पोएम ब्रुक खुद बता रही है, लेकिन हम जानते हैं कि ब्रुक तो नदी है और वो बोल नहीं सकती, तो बट भला कैसे बताएगी। लेकिन ये एक नॉन लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग को यहाँ पे बताते हुए माना गया है। तो आई कम फ्रॉम हॉर्न्स ऑफ कोट एंड हर्न, आई मेक सडन सैली एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर्न। तो ब्रुक ये बता रही है कि वो वहां से शुरू होती है जहाँ पे कोट और हर्न नाम के बर्ड्स रहते हैं और चक्कर लगाते हैं। दूसरी लाइन में जो है ब्रुक बता रही है कि वो जल्दी से निकलती है, उसका रिएक्शन जो होता है एकदम फास्ट होता है और जल्दी से वो जहाँ से निकल रही है वो फास्ट निकलती है। तीसरी लाइन में पोएट बता रहे हैं कि ये जो ब्रुक निकलती है वो चमकती हुई निकलती है और वो वहां से निकल रही है जहाँ पे फर्न के पौधे लगे हुए। फर्न का मतलब होता है कि एक ऐसे प्रकार के पौधे जिसके अंदर फ्लावर नहीं होते हैं। उसके बाद टूबिकल डाउन अ वैली, ब्रुक जो है वो टूबिकल मतलब शोर मचाते हुए वैली में से निकल रही है, यानी कि ब्रुक बता रही है कि जब वो निकलती है तो वो शोर मचाती हुई आगे बढ़ती है और निकलती है। और उसके बाद बाय 30 hills आई हरी डाउन, उसका मतलब वो ब्रुक है वो 30 पहाड़ियों में से निकलती है। यहाँ पे 30 पहाड़ी कोई ब्रुक ने काउंट नहीं की है, वो तो ऐसे ही नंबर बताया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ब्रुक जो निकलती है वो बहुत सारी पहाड़ियों से निकलती है, उसका कोई गिना चुना कोई नंबर है नहीं। और स्लिप बिटवीन द रिजेस, यहाँ पे स्लिप मतलब मूवमेंट है, मूवमेंट मतलब फास्ट मूवमेंट और रिजेस मतलब पहाड़ों के बीच का जो रीजन होता है, एरिया होता है, वहां से ब्रुक निकल रही है और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। उसके बाद बाय 20 थ्रॉप्स अ लिटिल टाउन, यहाँ पे ब्रुक है वो 20 थ्रॉप्स मतलब गांव, 20 गांव में से निकल रही है और एक उसके बीच में एक लिटिल टाउन मतलब एक छोटा सा शहर भी आता है। एंड हाफ अ 100 ब्रिजेस मतलब अक्रॉस लिप 50 जितने ब्रिज है उसके नीचे से ये ब्रुक यानी कि छोटी सी नदी जो थी वो निकल रही है। टिल लास्ट बाय फिलिप्स फार्म आई फ्लो to join the brimming river, for men may come and men may go, but I go on forever. Brook जब आगे बढ़ रही है तो उसमें आखिरी जो लैंडमार्क रहेगा वो फिलिप्स का फार्म है, मतलब फिलिप्स के फार्म वो आखिरी उसका फार्म होगा जहाँ से ये गुजरेगी, मतलब फिलिप्स के फार्म खेत में से वो गुजर रही है। to join the brimming river, brimming river मतलब पूरी तरह से भरी हुई रिवर, जो मतलब कि वो किनारों तक भरी हुई है, ऐसी रिवर को ज्वाइन करते हुए ये फिलिप के फार्म से गुजर रही है। उसके बाद जो है जो लास्ट 2 लाइन है वो प्रकृति से जुड़ी हुई है, जब तक धरती है तब तक प्रकृति रहेगी, मतलब इंसान आएंगे इंसान जाएंगे लेकिन ब्रुक तो हमेशा रहेगी, क्योंकि जब तक धरती है तब तक नदी रहेगी। आई चैटर ओवर द स्टोनी वेव्स एंड लिटिल शार्प एंड ट्रेबल्स, I bubble into bedding bays and I babble on the pebbles. यहाँ पे जो ब्रुक है वो अपनी यात्रा को डिस्क्राइब कर रही है, जब वो गुजरती है तो वो प्रकृति के साथ बातें करते हुए जा रही है, पत्थरों वाले रास्ते से वो गुजर रही है।
इन अ लिटिल शार्प, मतलब यहाँ पे जब ब्रोक है वो पत्थरों से टकराती है तब उसमें से म्यूजिकल साउंड क्रिएट होता है, मतलब यहाँ पे म्यूजिक जैसा सॉन्ग की तरह वो आवाज सुनी देती है। और यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ वाटर के, वाटर करंट के हिसाब से यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे जब ब्रूक कोई लिखा है कि बबल्स, मतलब जब वो नीचे गिरती है तो बबल्स क्रिएट होते हैं, जो कोई खड्डा होता है वहाँ पे जब ब्रूक गिरती है तो वहाँ पे बबल्स क्रिएट होते हैं, और कभी कभी उसमें से गर्गलिंग साउंड भी प्रोड्यूस होता है, मतलब जब ऊपर से नीचे गिरती है तब उसमें से बबल्स निकलते हैं, मिट्टी निकलती है, और उसमें जो आवाज आती है वो उसको बोलेंगे हम यहाँ पे गर्गलिंग साउंड। उसके बाद विथ मेनी अ कर्व माई बैंक्स आई फ्रेट बाय मेनी अ फील्ड एंड अ फेलो एंड मेनी अ फेरी फॉर लैंड सेट विथ विलो विड एंड मेलो। यहाँ पे ब्रुक के रास्ते की बात की गई है कि ब्रुक जब आगे बढ़ती है तो उसका पाथ जो होता है वो कर्व टाइप का होता है, मतलब वो जब आगे बढ़ती है तो किसी चट्टानों से टकराती है, चट्टान है वो बहुत ही कठोर होती है, उससे वो तोड़ नहीं सकती है, इसलिए उसका मार्ग जो है वो बदल जाता है, वो अपना पाथ को चेंज कर लेती है, और वो बहुत ही ज्यादा फील्ड में से भी यहाँ पे वो गुजर रही है। फील्ड इन फेलो, यहाँ पे उसका मतलब है कि वो फर्टाइल और एज वेल एज अनफर्टाइल लैंड में से पास हो रही है। उसके बाद लिखा कि एंड मेनी फेरी फॉलन सेट, उसका मतलब है कि ब्यूटीफुल फेरी लैंड टाइप प्लेसेस है जो रिवर के आसपास दिखाई देते हैं, वहां से भी वो गुजर रही है। और यहाँ पे उसके थोड़े नाम लिखे हुए, विलो विड टाइप के जो घास होते हैं उसमें से भी ये जो ब्रुक है वो गुजर रही है। आई चटर चटर एज आई फ्लो टू जॉइन ब्रीमिंग रिवर फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। यहाँ पे ब्रुक बता रही है कि वो जैसे वो आगे बढ़ती है तो वो चैटरिंग साउंड प्रोड्यूस कर रही है, मतलब वो प्रकृति से बातें करते हुए आगे बढ़ रही है, और उसने फिर से वो लाइन रिपीट की है कि जैसे इंसान आते रहेगी इंसान जाएगी लेकिन वो हमेशा रहेगी, क्योंकि इंसान जो है वो यहाँ पे उसकी लाइफ परमानेंट नहीं है, लेकिन जो ब्रुक है वो तो नेचर का एक पार्ट है, नेचर का एक हिस्सा है, वो हमेशा बना रहेगा। आई वाइंड अबाउट एंड इन एंड आउट विथ हियर इन ब्लॉसम सेलिंग एंड आई हियर एंड देयर अ लस्टी ट्राउट एंड आई हियर एंड देयर अ ग्रेलिंग। फाइंड अबाउट उसका मतलब यहाँ पे होगा घूमना, ब्लॉसम उसका मतलब है फ्लावर, सेलिंग का मतलब यहाँ पे फ्लोटिंग करना मतलब तैरना, लस्टी ट्राउट उसका मतलब होगा हेल्थी फ्रेश वाटर की फिश, और ग्रेलिंग उसका मतलब होगा एक टाइप की फिश होती है, फॉर्मी है मतलब जो पूरा बबल्स और फॉर्म बनता है, फ्रॉथ बनता है जो ना रिवर के अंदर, और फ्लैक है मतलब वो है पीस ऑफ फॉर्म। इसमें भी जो ब्रुक है वो अपनी जर्नी के बारे में बता रही है कि कंटिन्यूस टेलिंग अबाउट इट्स जर्नी, मतलब जैसे वो आगे बढ़ती है तो पहले कर्व टाइप के पाथ बनाती है, और जब वो उससे आगे बढ़ती है तब, और वहां पे जब पेड़ों में से बहुत ही खूबसूरत फ्लावर जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स वो ऊपर से गिरते हैं और ब्रुक के ऊपर तैरते हैं वो इसमें बताया है। और हियर मतलब हियर मतलब यहाँ पे कभी कभी फ्रेश वाटर के पानी में मछलियाँ जो है वो ट्राउट टाइप की, मतलब ट्राउट है वो मछली खाने में, ऐसी मछलियाँ भी यहाँ पे ग्रेलिंग जैसे क्या जैसी मछलियाँ यहाँ पे पानी में नजर आती है, दिखाई देती है। उसके बाद एंड हियर एंड देयर अ फॉर्मी फ्लैक अपॉन मी आई एज आई ट्रेवल विथ मेनी अ सिल्वरी वाटर ब्रेक अबाउट द गोल्डन ग्रेवल। जो ब्रुक मतलब जो रिवर है वो आगे बढ़ती है तब उसके सरफेस के ऊपर फॉर्म के फ्लैक्स दिखाई देते हैं, मतलब उसके ऊपर फॉर्म बन जाता है। और कभी कभी जो है यहाँ पे गोल्डन ग्रेवल मतलब यहाँ पे पानी जो है वो सोनेरी सोने जैसे कलर का दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शाम के टाइम पे जब सूरज की रोशनी उसके ऊपर गिरती है तो सूरज की रोशनी होती है वो पीले कलर की होती है, और पीले कलर की रोशनी होने की वजह से जो पानी है ब्रुक का वो सोनेरी कलर मतलब सोने जैसे कलर का दिखाई देता है। ग्रेवल में जब पानी टकराता है तो वो वहां पे शाइनिंग करता है और ब्रेक्स भी बनते हैं क्योंकि वो उससे टकरा रहा है। एंड ड्रू देम ऑल अलोंग एंड आई फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करंट जो ब्रुक का है वो आगे बढ़ता है और वो अपने साथ साथ ग्रेवल को भी आगे लेता जाता है, उसको भी आगे बढ़ाता जाता है, मतलब ब्रुक जो है वो आगे ब्रीमिंग वाटर मतलब आगे
रिवर का जो पानी है उसको मिलने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो जॉइन द ब्रिमिंग वाटर मतलब उस रिवर के पानी से मिलने के लिए वो आगे बढ़ रहा है, कि जो किनारों से पूरा भरपूर है पानी उसमें भरा हुआ है, और उसके बाद फिर से वही लाइन रिपीट होती है कि इंसान आते रहेंगे इंसान जाते रहेंगे लेकिन वो हमेशा रहेगी, क्योंकि वृक्ष जो है वो एक प्रकृति का हिस्सा है, वो जब तक प्रकृति रहेगी तब तक वो रहेगी। इंसान की लाइफ लाइफ जो है परमानेंट नहीं है, लेकिन जो रिवर की लाइफ है वो परमानेंट है। तो दोस्तों ये थी आपकी पोएम, आप देखते रहिए एक्टिव एजुकेशन की ओर से आपको बहुत ही ज्यादा वीडियो आगे मिलने वाले हैं, तो दिल थाम के बैठिएगा और आगे के वीडियो देखते रहना, ठीक है? चलो बाय, और मेरी इस वीडियो को लाइक करना। थैंक यू ऑल।